मुझे बड़ी खुशी हो रही है, मैं यकीन माने रात को आंख में आंसू आ गए, मतलब मुंह चेक करें इसका, माशाल्लाह ओए आंसू में बहुत। और आप लोग कहते हैं कि यार आप छोटा क्यों लेते हैं, तो भाई मेरा एक शौक है छोटे से बड़ा करने का। नाम हीरा डन कर दिया, बता हीरा या डायमंड? हीरा, हीरा डायमंड बोलने में लोगों को मुश्किल। हीरा तो लड़की जैसा नाम है ना यार। सुबह सुबह का वक्त है भाई, और आज जो है भाई संडे का दिन है, तो इंशाल्लाह भाई आज जो है बकरी का दाना वगैरह लेकर आना है। मैंने सोचा यार एक होलसेल दुकान है, मतलब एक बड़ी दुकान है, वहाँ पे जाके दाना वगैरह लूँ। और मुझे लेना है तूड़ी लेनी है, छिलका लेना है और चोकर लेना है। बाकी गंदम तो यहाँ नॉर्मली मिल जाती है। मैंने बोला एक जो मेन दुकान है वहाँ पे जाकर लूँ, और तकरीबन भाई संडे का दिन है तो लालू खेत का चक्कर भी लगाना है लाजमी लाजमी, क्योंकि लालू खेत में कोई बकरी का बच्चा वच्चा मैं सोच रहा हूँ यार मिल जाए, बिल्कुल छोटा जो माँ के बगैर हो, तो मैं इस बकरी के साथ जो है उसको रख दूँ, क्योंकि बकरी के नीचे थोड़ा बहुत दूध है। और दूसरी बात ये कि यार कमेंट मैंने पढ़े, उसमें एक भाई ने कहा यार आपकी वीडियो देखकर, मतलब मेरी वीडियो देखकर वो बच्चे लेकर आ गए, मगर बहुत मुश्किल है पालना। तो यार यही बोलूँगा, अगर लोग मुझे कह रहे हैं कमेंट में कि यार आप बच्चे क्यों लेकर आ रहे हो, बड़े लेकर आ जाओ, तो देखें अगर मैं लेकर नहीं आता तो वो एक आपको एक बात बताऊँ तो वो बकरे के गोश्त से भी बिक जाते हैं, कि बकरे का यार इतना सा बच्चा अजीबा हो रहा है। अगर हमारे अंदर थोड़ी बहुत हिम्मत है तो हम लेकर पाल सकते हैं, तो क्यों ज़रूर पालें यार। और ये बोलूँगा कि अगर नहीं पाल सकते तो बिल्कुल भी भाई जगह नहीं है तो नहीं लेकर आए, क्योंकि देखने में बहुत इजी है और करने में बहुत मुश्किल है, दो दो चीज़ें संभालना, मतलब जैसे मैं इनको भी देखता भी हूँ, दूसरी बात दूध वगैरह मैं अकेले ही हूँ, मतलब मेरे साथ कोई है नहीं, कोई बंदा वंदा नहीं रखा हुआ ना भाई। और दूसरी बात इनकी सफाई में दिखाता नहीं हूँ आपको, कितनी जो गंदगी है रोज़ाना सफाई करनी पड़ती है प्रॉपर, मतलब एक ना रोज़ की रोज़, मतलब एक गांव वाली फीलिंग आ रही है, मतलब ये है कि मज़ा बहुत आ रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह, मज़ा तो बहुत आता है। एक गांव ऐसा लग रहा है छत पे, एक फार्म तो एक अलग चीज़ है, कि फार्म पे तो एक फार्म होता है, एक ज़मीन होती है उस पर, तो तकरीबन वहाँ तो आएगी अगर आप चीज़ें पालोगे, मगर एक छत पे गाँव बनाना एक अलग ही यार लेवल है, मतलब उठ के ऊपर गाँव आ जाओ तो क्या मज़ा आता है आप क्या बताऊँ। बाकी यार चलते हैं, और इंशाल्लाह जो है अगर भाई किसी के अंदर हिम्मत है पाल सकता है तो ज़रूर पाले, मैं यही बोलूँगा, मगर जब नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं। काफ़ी जो है लेना भी आसान है, मैं दूध जब फिर आप ले लोगे उसको पालना भाई काफ़ी मुश्किल है, तो ये बोलूँगा अगर हिम्मत है पाल सकते हैं तो बिल्कुल यार पालें, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि वैसे भी यार अगर आप पालेंगे तो ये बच जाएंगे, और अगर आप नहीं पालेंगे तो फिर ये जाएंगे कट के जो है फिर आपको ये बकरे का गोश्त बोल के बेचा जाता है। भाई बकरी का दाना लेने आया था तकरीबन, मैंने बोला हमारे घर से जो है थोड़ा सस्ता मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि ये जो है मेन दुकान है, मगर यहाँ पे जो है तूड़ी जो है ना यहाँ पे 50 रुपये किलो मिल रही है। खैर जो हमारे मतलब एरिया है उसके पास जो है 350 रुपये का बोरा मिलता है 10 किलो तूड़ी का, तो बकरी के लिए भाई दाना लेने आया था। खैर जो है लालू खेत भी यहाँ से करीब है, तो मैं सोच रहा हूँ लालू खेत भी चल लेते हैं, कोई बकरी का बच्चा क्या कहते हैं कुछ ले लेते हैं यार आज भी इंशाल्लाह भाई, देखते हैं हो सकता है गाय का बच्चा भी कुछ कोई भी चीज़ अच्छी लगेगी तो इंशाल्लाह जो है सौदा कर लेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह, क्या हाल चाल है आप लोगों के, उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। और ये कि भाई लालू खेत तो पहुंच गया हूँ माशाल्लाह, आज भी भाई काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है, बच्चे जो है वो वहाँ उस तरफ होते हैं, इंशाल्लाह वहाँ जाके देखते हैं बच्चा मिल रहा है। बाकी भाई बकरी जो है ना अपने ऐसे ब्रीडर से लगवाऊँगा इंशाल्लाह, वैसे भाई जो है 70,000 रुपये जो है इसकी डिमांड कर रहे हैं। बाकी खैर भाई मंडी ये है, मंडी के मामला ये हैं, आज भी कोई अच्छी चीज़ मिल जाए अल्लाह करे तो इंशाल्लाह भाई खा लेंगे फोरी फोरी, आसरा नहीं करेंगे। और अभी तुम ऐसा लग रहा बकरा ही सजाया हुआ अभी है माशाल्लाह माशाल्लाह, ये चेक करें भाई, मैं चाह रहा हूँ यार कोई छोटी छोटी चीज़ें हों, मतलब कान खड़े हों उनके, मतलब प्यारी सी चीज़ हो, मतलब ये नहीं कि गुलाबी या वो कामोरी अच्छी नस्ल में हो, मगर बस नॉर्मल भी हो। खैर बाकी पहले गाय के बच्चे देख लेते जाके। अच्छा भाई नज़र आ गए भाई बच्चे लालू खेत में भी माशाल्लाह, ये विलायती ज़्यादातर बच्चे ही होते हैं तकरीबन, ज़्यादातर जो है विलायती बच्चे लेकर आए होते हैं खैरू, और एक ये बच्चा भी खड़ा हुआ है माशाल्लाह भाई, एक ये है भैया कितने का लिया? 12,000 रुपये। 12,000 रुपये का, सही है भाई विलायती बच्चा है, 12,000 रुपये का ये मेरे सामने जो है सेल हो चुका है, पाड़े भी आया हुआ भाई। और मेरे को भाई एक जो है पसंद आया, और ये वाला बच्चा है वो, मगर ये मेरे सामने जो है सेल हो गया, सबसे जो मुझे अच्छा लगा, मैंने बोला यार एक वाइट तो है तो एक ब्लैक हो जाता और एक पाड़ा और तीन, मतलब एक थोड़ा सा लेवल हो जाता है, तो विलायती बच्चा फिर, मगर यार माशाल्लाह अच्छा लग रहा था ब्लैक में जो था ना,
चेक करे, मुंह चेक करे इसका माशाल्लाह, ओए मासूम है बहुत। एक बच्चा जो है पसंद आया, मगर भाई इनके अंदर जो है ना मजबूती के अंदर एक बच्चा भाई पसंद आया ये वाला, और माशाल्लाह मतलब हाथ पैर चेक करें ये, यहाँ से पता लगता है बनता है विलायती, ये बात सही है, मगर देसी बच्चा नहीं है। खैर ये भी अच्छे बन जाते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, मगर भाई इनके अंदर भी ना, जैसे एक ये भी ऑस्ट्रेलियन बच्चा विलायती बच्चा, इनके अंदर भी जो है सबसे अच्छा मतलब अच्छा बच्चा है ये वाला। लेकिन हाथ पैर चेक करें, पाँव चेक करें, कितनी जो है मजबूत जो है पैर है, मगर एक इसके अंदर लोचा ये है इसकी जो है, ये भी आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ, आप लोग चेक कर लें भाई। ये देख रहे हैं इसकी जो नाप है ना, नाप के पास से ये सूजा हुआ है, ये और सूझता रहेगा जब बड़ा होता रहेगा। मैं इसका सौदा कर रहा था, फिर ये मुझे मैंने देखा जो है एक मसला नज़र आ गया मुझे, मैंने बोला आप लोगों को भी बताऊँ, ताकि आप लोग देख रहे हो तो कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए यार वीडियो देखने का, कि हर एक चीज़ बताता हूँ मैं, तकरीबन मेरी कोशिश होती है यार आप लोगों तक हर एक चीज़ पहुँचे। तो ये वहाँ से ना एक गुटला बना हुआ है इतना मोटा, वरना मैं सौदा करता, मुझे कह रहा 16,000 रुपये का, कह रहा है ले जा, और तकरीबन लोगों कह रहा है 22,000 का भी नहीं दूंगा, खैर मेरे को तो कह रहा था 16 का भी ले जा, और मैं और बार्गेनिंग कराता तो कम कर देता। तो मैंने बोला यार आप लोगों को भी एक ये बता दूँ, एक छोटी सी चीज़ है, ये भी चेक कर लिया करें नाप के पास से कभी मुझे वो होते हैं, और गर्दन के पास से यहाँ से इस तरफ से देख लिया करें आप। तो मेरे पास जो बकरी है उसके नीचे थोड़ा बहुत तो दूध है तकरीबन, तो बिल्कुल भाई एक छोटा बच्चा है, चेक कर सकते हैं अभी, ये चेक करें जब इससे पता लगता है कि ये चेक करें माशाल्लाह। ये देख रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, मगर ये चाचू इतने से बच्चे के भाई 12-13 हज़ार रुपये मांग रहे, जबकि मैंने भैंस कॉलोनी से इस बकरे से भी बड़े बड़े जो है तकरीबन 6-6 हज़ार रुपये के, 4-4 हज़ार रुपये के लिए। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, देखते हैं भाई बार्गेनिंग करते हैं और देखते हैं सौदा बनता है नहीं बनता है, तो रिक्स वाली बात। और आप लोग कहते हैं कि यार आप छोटा क्यों लेते हैं, तो भाई मेरा एक शौक है छोटे से बड़ा करने का। सौदा जो है बना नहीं था उसका यार उस बच्चे का, क्योंकि वो जो है आखिरी जो है 10,000 रुपये बोल रहा था ना, वो 10,000 बोला था ना आखिरी। बाकी भाई छत पे आ गए और जैद भी आया हुआ है माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये भाई क्या नाम, क्या डन क्या किया नाम? अबे नाम हीरा डन कर दिया, बता हीरा या डायमंड? हीरा हीरा डायमंड बोलने में लोगों को मुश्किल, हीरा तो लड़की जैसा नाम है ना यार भाई, हीरा एक मूवी में नहीं बछड़ी नहीं है ना, बछड़ा है यार ये यार डायमंड या फिर स्नो। चलो कल यार डन करेंगे कन्फर्म, आज रात को जो है सारे कमेंट पढ़ के और एक दफा और पढ़ के फिर देखते हैं। हाँ कमेंट करे थे माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, दुआ करते रहे भाई माशाल्लाह। आप जो है तो ये आपके सामने ही भाई, इंशाल्लाह अगले से अगले साल का होगा, अगले से अगले से अगले, अच्छा 3 साल पालेंगे इसको, 4 दांत तक करेंगे इंशाल्लाह, 2 दांत माशाल्लाह। बाकी पांडा भी माशाल्लाह भाई सेट चल रहा है पांडे मुँह चढ़ाता है पांडा वे पांडे ये चेक करें माशाल्लाह। अब उसके बाल कैसे हैं? ये शेविंग भी होती है इनकी जब ये बड़े हो जाते हैं, करवाओ। हाँ नहीं कर, नहीं अभी नहीं, जब ये फुल बड़ा हो जाएगा ना तो फिर देखेंगे। क्या हुआ भाई थक गए क्या? बताओ वहाँ से जो मेन दुकान है वो जो भाई जिस दुकान पे गए थे, मैं समझ के गए थे कि वहाँ और सस्ता मिलेगा तूड़ी, मगर भाई थोड़ी वहाँ सस्ती नहीं मिली और बल्कि महंगी, मतलब कितने की पड़ ली थी हमें 10 किलो? पता नहीं यार क्या किलो बताई थी अभी, 500 रुपये की पड़ ली थी। हाँ 500 रुपये की पड़ी थी। यहाँ से भाई 10 किलो का अपने ही एरिया से 10 किलो का बोरा लिया, कितने का लिया? 350 10 किलो 350 रुपये का ये बोरा है तूड़ी का, सही है। और बाकी छिलका और जो है क्या कहते हैं चौका नाम याद नहीं आ रहा, बकराईद वाली फीलिंग आ रही है इस बोरे लेकर आने में। तो अच्छा भाई एक बात बोलूँगा यार, ये मेरा बकरी का दाना है, इसके अंदर एक मुट्ठी जो है मैंने जो है वो डालनी है गंदम डालनी है, ताकि वो हीट पर आए जल्दी से 10 दिन के अंदर, फिर इसको जो है किसी अच्छे ब्रीडर से जो है, ताकि आप लोग बच्चे देखें चलते चलते मज़ा आए। बस यार ये बोलूँगा कि मुझे बड़ी खुशी हो रही है, मैं यकीन माने रात को आँख में आंसू आ गए, मतलब इतना कोई मोहब्बत दिखा रहे हैं आप लोग, प्यार दिखा रहे हैं फेसबुक वाले तो बहुत ज़्यादा ही जो है माशाल्लाह माशाल्लाह। बस ये बोलूँगा यार इतनी जो है शौकीन लोग जो है बोल रहे हैं यार पलाई पे रख लें, तो कुछ सोचा नहीं इस बारे में, पलाई का जो है कुछ मतलब छत है अभी, तो कोई पोजीशन बनती है इंशाल्लाह वो भी आप लोगों को बताऊंगा। मतलब इतना सपोर्ट करने के लिए यार आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, मतलब मैं क्या कहूँ, मुझे पता नहीं था, इतनी उम्मीद नहीं थी। खैर अल्लाह मालिक है,
और बस यार वीडियो का यहीं पर इख्तिताम करते हैं। बच्चा नहीं मिला, बच्चा मिल जाता था बकरी के नीचे रखते थे उसको, वो क्योंकि बच्चा था छोटा था, माँ नहीं थी उसकी, तो ये होता कि माँ मिल जाती उसको, दूध पी लेती बच्ची के नीचे, बकरी के अंदर थोड़ा सा दूध है। तो बस यहीं पर यार व्लॉग का इख्तिताम करता हूँ, बच्चे भी अब सो रहे हैं, दूध वूध पी लिया इन्होंने। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। और इस भाई इसको भी सब्सक्राइब कर दो यार, ये जो अपडेट जिसको देखनी है तो इसके चैनल पर मिल जाएगी, मंडी बॉय कराची।